Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एंड वेलकम टू testbook.com एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. सो गाइज, आज हम RRB NTPC के प्रीवियस ईयर पेपर की बात करने वाले हैं और साथ ही साथ आपके RRB NTPC का टेस्ट एंड डिस्कशन का भी एक कोर्स चल रहा है, जिसको कि अगर आप परचेज करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एटलीस्ट एक बार चेक कर सकते हैं. तो चलिए, RRB NTPC आपका ऑलमोस्ट पाइपलाइन है, तो इसके प्रीवियस ईयर पेपर की बहुत ज़्यादा डिमांड है. तो आज मिक्स MCQ ना करके हम लोग आज प्रीवियस ईयर पेपर को कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर आए थे, सो दैट हम अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाए. चलिए तो स्टार्ट करेंगे. आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेक इन इंडिया लोगो इज मेड अप ऑफ वॉट. यानी कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर ने मेक इन इंडिया लोगो था उनका अपने एम्बिशन को डिफाइन करने के लिए, वो बेसिकली किस चीज़ से कंसिस्ट होता है या उसमें क्या आपको दिखाई देता है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. द लाइन मेड ऑफ कोक्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा. कई स्टूडेंट को टाइगर लग रहा होगा, बट टाइगर नहीं है, वो लाइन है. अगर आप एक बार डिस्क्रिप्शन देखना चाहें तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ डू इंडियंस सेलिब्रेट होली. इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके NTPC में लास्ट ईयर थे कि भाई भारतीय जो है वो होली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं. प्रैंक खेलते हैं एक दूसरे पर, या फिर कलर पाउडर डालते हैं, वाटर डालते हैं एक दूसरे पर, या फिर दियो को जलाते हैं, या फिर पीजन को फ्री करते हैं यानी कि कबूतर उड़ाते हैं. तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू. इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन इंडियन स्पोर्ट वॉट डज HIL स्टैंड फॉर. अब यहाँ पर आपके भारतीय खेलों के संबंध में आपको HIL का फुल फॉर्म बताना है, यानी कि एब्रीविएशंस आ रहे हैं. इंडियन स्पोर्ट्स के एब्रीविएशंस को आप लोग याद रखेंगे या आप इसकी एक लिस्ट कंटिन्यू करके अपना याद कर लेंगे. सो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, हॉकी इंडिया लीग विल बी अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपकी हॉकी इंडिया लीग जो है वो आपके इंडियन स्पोर्ट्स में HIL को फुल फॉर्म को बेसिकली कंप्लीट करेगी. ठीक है, तो आपको इसमें ये चीज़ें याद करनी रहेंगी. साथ ही साथ आपका जो हॉकी इंडिया लीग है ये आपके कोल इंडिया हॉकी लीग के स्पॉन्सर या स्पॉन्सरशिप से बेसिकली ये बना है. 2013 में इसको स्टैब्लिश किया गया था. इसमें करेंट में जो चैम्पियन है वो आपके कलिंग लैंसर है. लास्ट टूर्नामेंट आपके 2017 में हुए थे. नंबर ऑफ टीम इसमें 6 है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुड़ी डेज इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ विच इंडियन राइटर. यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मालगुड़ी डेज के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो आपके कौन हैं. तो मालगुड़ी डेज आपकी रचना है मिस्टर RK नारायण जी की. तो ऑप्शन नंबर थर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एट वॉट टाइम डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑफ 15th August 1947. आपके 15 अगस्त 1947 को किस प्रहर में, प्रहर मतलब होता है आपका कौन सा टाइम, किस प्रहर में भारत को स्वतंत्रता मिली थी. तो आपके मिडनाइट में भारत को स्वतंत्रता जो है वो मिल गई थी. तो थर्ड ऑप्शन विल बी अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द साइंस और आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड एक्सेलरेटिंग प्रोजेक्टाइल सो एज टू अचीव परफॉर्मेंस कॉल्ड. आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि आपको एक आर्ट और एक साइंस का, एक ऐसा साइंस का डिज़ाइन बताना है जिसमें हम प्रोजेक्टाइल को एक्सटाइल करते हैं और साथ ही साथ उसमें एक अचीव परफॉर्मेंस जो है वो आता है. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए. ओके, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैलिस्टिक्स. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट डज WLAN स्टैंड फॉर. WLAN या WLAN का मतलब क्या होता है या उसका अर्थ क्या है. यानी कि अभी तक हम लोगों को दो एब्रीविएशंस के क्वेश्चंस मिल गए, तो हम कोशिश करेंगे कि एब्रीविएशन की लिस्ट को हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें अपनी तैयारी में, अपनी प्रिपरेशन में. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वायरलेस लोकल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क विल बी अ राइट आंसर. ऑप्शन नंबर एक जो है वो होगा इस क्वेश्चन का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डज बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स, यानी कि आपका जो द्विसदनात्मक है, ठीक है, तो द्विसदनात्मक का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग है उसका. इसका मतलब है लेजिस्लेचर चार भागों में डिवाइड है, लेजिस्लेचर एक भाग में डिवाइड है, लेजिस्लेचर दो भाग में डिवाइड है, या लेजिस्लेचर के आपके चार भाग हैं वो चार पार्ट में डिवाइड है. तो द्वी सदनात्मक हिंदी मीडियम को यहाँ द्वी का मतलब समझ में आया होगा, तो भाई लेजिस्लेचर जो है वो अपनी दो सेपरेट असेंबलीज में डिवाइड है. तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द मोस्ट एबंडेंट कंबस्टाइल नेचुरल गैस, आपका इनमें से कौन सी मोस्ट एबंडेंट यानी कि बहुत ज्यादा कंबस्टाइल प्राकृतिक गैस के कैटेगरी में है. तो आपकी जो मीथेन है वो आपके मोस्ट कंबस्टाइल नेचुरल गैस के अंडर आती है, ठीक है. इसमें आरआरबी एनटीपीसी ने अपनी आंसर की में ऑप्शन नंबर बी को ही सही माना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, आपके भारत में ताजे पानी की झील है ना, ताजे पानी की जो झील है वो ताजे पानी की झील आपके कौन सी है, ऐसा आपसे पूछा गया है. तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ना केवल इंडिया में बल्कि इन एशिया भी, आपकी वुलर लेक विल बी अ राइट आंसर. वुलर लेक जो है ये आपके बेसिकली बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट जो है आपके जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर आपकी ये लेक है और ये ना केवल भारत में बल्कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट ताजे पानी की या फ्रेश वाटर की लेक ये मानी जाती है. इसकी लेंथ अराउंड 16 किलोमीटर है, इसका स्टेट जम्मू कश्मीर लगता है, और इनफ्लो सोर्स जो इसका है वो आपका झेलम रिवर इसका इनफ्लो और आउटफ्लो लोकेशन के अंडर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस कैमल ट्रेडिंग इवेंट इज अ पार्ट ऑफ विच एनुअल फेयर, आपका जो ऊंट की जो व्यापारी की जाती है वो आपके इनमें से कौन से मेले का पार्ट है या कौन से मेले के अंतर्गत वो आता है. एंड द राइट आंसर पुष्कर मेला. आपका जो पुष्कर मेला है उस पुष्कर मेले के अंदर कैमल की जो ट्रेडिंग है वो कैमल की ट्रेडिंग इसी के अंडर ली जाती है, या कहिए इसके अंडर इसको कवर किया जाता है, ठीक है. और पुष्कर फेयर जो है या पुष्कर मेला आपका, इसको हम लोग पुष्कर कैमल फेयर या फिर आपके कार्तिक मेला, ठीक है, या पुष्कर का मेला, इन सारे नामों से आपको इसको जाना जाता है. ये लास्ट 5 डेज होते हैं एक तरह से आपके कार्तिक पूर्णिमा के, और ये पुष्कर में ही मनाया जाता है, ठीक, काफी बड़े लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर विविपारा, आपके विविपेरस क्या होते हैं या विविपारा बेसिकली किनको कहा जाता है, आंसर करिएगा विविपारा क्या है, ठीक है. सो करेक्ट आंसर आपका यहां पे है बेसिकली जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ओके, सो यहां पर राइट आंसर आपका विविपारा, जो कि वो वर्टिब्रेट्स दैट आर बॉर्न लिव, ठीक है, जो कि आपके जीवित बॉर्न होते हैं उनको हम लोग आपके विविपारा कहते हैं, लेकिन वर्टिब्रेट्स होते हैं वो, ठीक है. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज लाइम रिक, आपका लाइम रिक जो है वो लाइम रिक क्या है या लाइम रिक किसे कहा जाता है. ये टाइप लाइम स्टोन का एक टाइप है, या फिर ये पोइट्री है 5 लाइन की, या फिर ये थिएटर प्ले है, या फिर ये वर्ड गेम है. ओके, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. आपका जो लाइम रेक है इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक है, आपके वर्ड्स का एक फॉर्म होता है ये, जो कि यूजुअली ह्यूमरस और फ्रिक्वेंटली रूड होता है. इसमें 5 लाइन की आपकी चीज़ें इसमें डिफाइन होती हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग लाइम रिक के नाम से जानते भी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एंड्रोमेडा इज आ, एंड्रोमेडा बेसिकली क्या है. बहुत अजीब से टर्म इस पेपर में आपके पूछे गए हैं, लेकिन ऐसी टर्म से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये क्या हो सकते हैं. ओके, तो आपका एंड्रोमेडा बेसिकली क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे अभी सामने है. एंड द राइट आंसर इज, ओके, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैलेक्सी है मिल्की वे के की जो पड़ोसी गैलेक्सी है उसको हम लोग आपके एंड्रोमेडा गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, ठीक है. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज कोट इन इज इन प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस
वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर. आपके किसने कहा था, इन प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस आपका दुश्मन ही आपका सबसे बड़ा शिक्षक यानी कि टीचर जो है वो होता है. ओके एंड दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय दलाई लामा एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वॉट इज शिग्मो. शिग्मो बेसिकली क्या होता है, तो शिग्मो अगर बात करें कि शिग्मो क्या है तो आपके कुछ एक तरह का फेस्टिवल ये है, मैं आपको यहाँ पे इतना हिंट कर सकती हूँ. चलिए तो करेक्ट आंसर भी कर देते हैं. वैसे शिग्मो जो है वो आपका एक गोवन स्प्रिंग फेस्टिवल होता है. इसको आपके गोवा वाले जो हिंदू कम्युनिटी होती है वो इसको ज़्यादातर सेलिब्रेट करती है, और साथ ही साथ ये आपके कोंकणी डिस्पोरा और इंडियन फेस्टिवल ऑफ होली उसका मिक्सचर, उसका एक पार्ट होता है ये. क्लियर, तो यहाँ पे आप इसको भी याद कर लें. तो मेक श्योर कि जो डिफरेंट स्टेट में जो फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, या जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, वो जो अलग अलग टाइप के हैं जिनसे हम लोग अवेयर नहीं हैं, उनको एटलीस्ट आप जरूर तैयार कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी डिड पोर्टुगीज मर्चेंट्स फर्स्ट लैंड इन इंडिया. आपके किस शताब्दी में जो पुर्तगाली थे वो पुर्तगाली आपके गोवा लैंड में लैंड करे थे, या कहिए गोवा की भूमि पर आए थे. इन विच सेंचुरी पूछा गया है, ठीक है, आंसर करिएगा. इन विच सेंचुरी, क्वेश्चन मैं फिर से बोल दे रही हूँ, इन विच सेंचुरी डिड पोर्तुगीज मर्चेंट फर्स्ट लैंड इन इंडिया. यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शंस 14, 15, 16 सेंचुरी के नाम पर दिए गए हैं. ओके तो यहाँ पर बेसिकली आपके जो वास्को डिगामा थे, फर्स्ट यूरोपियन टू सेट फुट इन इंडिया वाया द सी, ही रीच्ड एंड ट्रेडेड इन कैलिकट इन 1498, ठीक है, विच वॉज सून फॉलोड बाय पोर्टुगीज कॉन्करिंग गोवा फ्रॉम आदिल शाह ऑफ बीजापुर एंड फ्रॉम ओटोमन एम्पायर लाइज इन 1510, यानी कि आपका कौन सी सेंचुरी आ जाएगी, 1510 की. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज C6H6. आपका C6H6 क्या है, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C6H6 आपको बताना है. ओके तो C6H6 जो है ये आपके बेंजीन का एक केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल कंपाउंड होता है आपका बेंजीन, ठीक है. तो 6 कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं एक रिंग में विथ 1 हाइड्रोजन एटम अटैच टू ईच. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज ऑनरियोलॉजी द स्टडी ऑफ. आपके ऑनरियोलॉजी जो है वो किस चीज का अध्ययन है, या किस चीज का अध्ययन ये होता है. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये किस चीज का अध्ययन है, तो ये बेसिकली साइंटिफिक स्टडी है, ये ड्रीम्स की, आपके जो सपने की साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम लोग ऑनरियोलॉजी के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वॉज द होस्ट सिटी ऑफ फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1896. 1896 में पहले समर ओलंपिक गेम्स को किस ने या किस शहर ने होस्ट किया था. सो द राइट आंसर, एथेंस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल सेगन वॉज, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल सेगन कौन थे. ये एक आपके ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे, ब्रिटिश खगोलशास्त्री थे कार्ल सेगन, ठीक है. तो इनके बारे में अगर आपको एक बार पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं कहीं पर भी, या आपको वैसे भी आपके गूगल आप लोग अगर करोगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा. एस्ट्रोनॉमर भी थे, कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे, आपके इस तरह से अलग अलग चीज़ों को इन्होंने होल्ड किया था, और ये अपने कम्युनिकेटर के और साइंस के कामों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर क्रिएटेड इन 1953. 1953 में बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर जो है वो क्या था. एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, एक एनालोगस कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटर था, या बैंकर्स कैलकुलेटर था. सो द राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके इसको हम लोग स्किप करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज इंडियाज फेमस कॉमिक सीरीज स्टार्टेड बाय अनंत पाई कॉल्ड. आपके अनंत पाई कॉल्ड के द्वारा कौन सी फेमस कॉमिक सीरीज आई थी.
ओके तो यहाँ पे राज कॉमिक्स है, अमर चित्रकथा है, ट्विंकल है और आपके चंदा मामा है। तो यहाँ पे बेसिकली इनका नोटेबल वर्क जो था वो आपके अमर चित्र कथा के लिए ही था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द मॉस्क अढ़ाई दिन का झोपड़ा लोकेटेड। अढ़ाई दिन का झोपड़ा बेसिकली जो कि एक मस्जिद है वो आपके कहाँ बनाया गया है या कहाँ पर स्थित है, सीधी सी क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज आपके अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन भूटान। भूटान की राजकीय भाषा क्या है, भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो आपके डोगोंगचा का करके इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। When did Sikkim become a state of India? कई बार बोला है सिक्किम स्टेट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों से। सो करेक्ट आंसर होगा आपका 1975-36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 1975 में आपका सिक्किम को एक राज्य का दर्जा, एक सिक्किम को स्टेट का स्टेटस जो है वो मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डज PNR स्टैंड फॉर। PNR का मतलब क्या होता है, कई बार हम लोग ट्रेन चेक करने के लिए PNR नंबर बताओ, सीट चेक करने के लिए PNR नंबर बताओ बोलते हैं। तो भाई PNR नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन है, और वैसे भी रेलवे का पेपर है यार तो ये क्वेश्चन तो बनना ही था। चलिए तो करेक्ट आंसर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इज द PNR। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, +91 इज द कंट्री कॉलिंग कोड फॉर विच नेशन। आपका +91 जो है वो आपके किस देश का कॉलिंग कोड है। तो आप लोगों ने अक्सर अपने फोन के आगे 91 लिखा देखा होगा, तो इंडिया का कॉलिंग कोड है +91। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट प्लांट हैज द साइंटिफिक नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम ट्यूबरोसम बेसिकली इनमें से किस प्लांट का साइंटिफिक नेम है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। आपका पोटैटो का साइंटिफिक नेम जो है वो है आपका सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ और की भी बात करी जाए, जैसे पोटैटो है तो टोमेटो का भी कुछ साइंटिफिक नेम हो सकता है। तो टोमेटो का साइंटिफिक नेम होता है आपका सोलेनम, यहाँ लिख सकते हैं आप सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ठीक है, ये आपके टोमेटो का एक साइंटिफिक नेम। अब यहाँ पे पंपकिन दिया है तो आपके पंपकिन का साइंटिफिक नेम होता है कुकुरबिटा, कुकुरबिटा सिंपल सा है। और अनियन का दिया है तो अनियन में एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है, दैट इज एलियम। ठीक है, एलन करके एक पिगमेंट होता है तो यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम एलियम सेपा बनता है। ठीक है, तो ऐसे करके साइंटिफिक नेम भी आप याद करने की कोशिश करो। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड इंडियाज चाइल्ड सर्जन। आपके इनमें से किसे इंडियाज चाइल्ड सर्जन यानी कि भारत का पहला चाइल्ड सर्जन किसे जाना गया। तो राइट आंसर है आपके अंकित प्राण जसवान को आपका चाइल्ड सर्जन जाना गया है। 7 साल की आयु के थे तब इन्होंने एक सर्जरी में पार्टिसिपेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द ऑपोजिट ऑफ धर्म। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एनडीपीसी दिया है तो धर्म का ऑपोजिट पूछा है भैया, अधर्म इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज नेवर सीन अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन कभी भी उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं बैठा है। तो आपके अब्दुल APJ अब्दुल कलाम कभी भी उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं बैठे, बल्कि ये प्रेसिडेंट पोस्ट पर आए थे। ये आपके भारत के प्रेसिडेंट या फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे। ये ऐसे प्रेसिडेंट थे या फिर इनके बारे में अगर फैक्ट जाने तो ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जिन्होंने अपना टर्म पूरा किया था, अपना कार्यकाल पूरा किया था, क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन दोनों ही मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, पर अपने अपने ऑफिस के टाइम पे ही इनकी डेथ हो गई थी। APJ अब्दुल कलाम को पीपल्स प्रेसिडेंट यानी कि जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, What was recently discovered hidden under ice in Antarctica? आपके अंटार्कटिका में hidden आइस के अंदर basically क्या और discover किया गया है। तो इसमें right answer आएगा आपका option number C, massive canyon system and lake को discover किया गया है। So option number C absolutely correct.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मास कॉल्ड, आपके एक द्रव्यमान पे जो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे या वो क्या कहलाता है, तो आपका वो कहलाता है क्या, वेट. तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. तो गाइज हियर वी कंप्लीट, बैक टू द स्क्रीन प्लीज. ओके सो गाइज हियर वी कंप्लीट योर आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चन. आई होप सो आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आए थे और अब आपको आगे किन किन लिस्ट को इस क्वेश्चन से निकाल करके याद करना है. चलिए तो मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.